ये एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक्स में। यहाँ मिलती है आपको सरकारी परीक्षाओं से जुड़ी सारी अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, यानी कौन विदेश मंत्री हैं, कौन मानव संसाधन विकास मंत्री हैं या कौन जल शक्ति मंत्री हैं। इन सभी मंत्रालय को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे SSC हो गया, रेलवे या बैंकिंग या और भी किसी भी सरकारी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। कौन? रामनाथ कोविंद जी, ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो मुप्पावरापू वेंकैया नायडू, ये हैं अभी भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में। आगे हमारा है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं और ये 17वें प्रधानमंत्री हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो अभी राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। कौन? राजनाथ सिंह जी। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, तो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन? अमित शाह, ये भारत के गृह मंत्री हैं। आगे है हमारा, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री हैं अभी डॉक्टर एस जयशंकर। कौन? डॉक्टर एस जयशंकर, ये हैं भारत के विदेश मंत्री। आगे हमारा है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ये हैं वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। कौन? निर्मला सीतारमण। अगला है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो ये हैं नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। कौन? नितिन गडकरी। अगला है हमारा, रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? तो डी वी सदानंद गौड़ा रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। आगे हमारा, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान, ये हैं उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। कौन? रामविलास पासवान। आगे हमारा है, कृषि किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो हरसिमरत कौर बादल। कौन? हरसिमरत कौर बादल हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। आगे हमारा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। कौन? थावर चंद गहलोत। आगे हमारा है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। कौन? रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आगे हमारा है, जनजातीय मामलों के मंत्री, तो अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। आगे हमारा है, महिला और बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं महिला और बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री। कौन? स्मृति ईरानी। अगला है हमारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी मंत्री। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। आगे हमारा है, पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। कौन? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। अगला हमारा, रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कौन? पीयूष गोयल। आगे हमारा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री। आगे हमारा है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी हैं अल्पसंख्यक मामलों के
मंत्री। अगला है हमारा जल शक्ति के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति के मंत्री हैं। आगे हमारा है पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, तो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन? गिरिराज सिंह। आगे हमारा है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है, तो ये है अरविंद सावंत। अरविंद सावंत जी हैं भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। कौन? अरविंद सावंत। अगला है हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। कौन? महेंद्र नाथ पांडे। आगे देखते हैं, आगे हमारा है संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है, तो ये है प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी हैं संसदीय मामलों के मंत्री तथा कोयला मंत्री तथा खान मंत्री, ये हैं प्रहलाद जोशी। आगे हमारा है कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो ये हैं रविशंकर प्रसाद जी। कौन? रविशंकर प्रसाद जी कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। आगे है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो ये है थावर चंद गहलोत। कौन? थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला है हमारा राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं। कौन? वेंकैया नायडू। अगला है हमारा राज्यसभा के उपसभापति, तो सभापति हो गए वेंकैया नायडू और उपसभापति हो गए हरिवंश नारायण सिंह। कौन? हरिवंश नारायण सिंह। आगे हमारा है राज्यसभा के महासचिव, तो राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। कौन? देश दीपक वर्मा, ये हैं राज्यसभा के महासचिव। अगला है हमारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। कौन? गुलाम नबी आज़ाद, ये हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता। अगला है हमारा राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं थावर चंद गहलोत। कौन? थावर चंद गहलोत। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और ये 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन? ओम बिरला। आगे हमारा है लोकसभा की महासचिव कौन है, तो लोकसभा की महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे हमारा है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन? अधीर रंजन चौधरी, ये हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। अगला है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो सत्ता पक्ष के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगला है हमारा भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो पहले लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल हैं। आगे हमारा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो यही है नीति आयोग के अध्यक्ष। कौन? नरेंद्र मोदी। अगला है हमारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला है हमारा नीति आयोग के CEO, तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत हैं। अगला है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। कौन? शरद अरविंद बोबड़े और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है हमारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन? सुनील अरोड़ा, ये हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता। अगला है हमारा भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल भारत के महान न्यायवादी हैं। आगे हमारा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है राजीव महर्षि। कौन? राजीव महर्षि। अगला है हमारा थल सेना के प्रमुख कौन है, तो थल सेना के प्रमुख है विपिन रावत।
31 दिसंबर 2019 को ये रिटायर हुए हैं और ये विपिन रावत ही भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। कौन? विपिन रावत। 30 दिसंबर 2019 को इनको प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे हमारा है कि वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौदिया। कौन? राकेश कुमार सिंह भदौदिया। अगला है हमारा नौसेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ नेवी। तो नौसेना के प्रमुख हैं करमवीर सिंह। कौन? करमवीर सिंह। अगला है हमारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो BSF के महानिदेशक हैं विवेक कुमार जौहरी। कौन? विवेक कुमार जौहरी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो ये है कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन? कृष्ण स्वामी नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। अगला है हमारा RBI के गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो ये शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। आगे हमारा SBI के अध्यक्ष यानी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। कौन? रजनीश कुमार। आगे है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो ITBP के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देशवाल। कौन? सुरजीत सिंह देशवाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक कौन है? तो SSB का महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन? कुमार राजेश चंद्र। आगे है हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक। तो CRPF के महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर। कौन? राजीव राय भटनागर, ये CRPF के महानिदेशक हैं। अगला है हमारा CISF के महानिदेशक यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक। तो ये हैं राजेश रंजन जी। कौन? राजेश रंजन, ये CISF के महानिदेशक हैं। अगला है हमारा RPF के महानिदेशक। तो RPF के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के महानिदेशक कौन हो गए? अरुण कुमार। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो NCC के महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक हैं राजीव चोपड़ा। अगला है हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक। तो CBI के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन? ऋषि कुमार शुक्ला। आगे हमारा है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुधीर भार्गव। कौन? सुधीर भार्गव, ये हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। अगला है हमारा IB के निदेशक यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं अरविंद कुमार। कौन? अरविंद कुमार। अगला है हमारा भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं शरद कुमार। कौन? शरद कुमार। आगे हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का निदेशक कौन है? तो इसके हैं सामंत गोयल जी। कौन? सामंत गोयल जी हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक हैं। अगला है हमारा संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के चेयरमैन। तो UPSC के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। कौन? अरविंद सक्सेना। आगे हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक कौन है? तो इसके हैं विनीत जोशी। विनीत जोशी जी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की अध्यक्ष कौन है? तो NCW की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन? रेखा शर्मा जी। अगला है हमारा सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। कौन? अशोक कुमार माथुर सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे हमारा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन? NK सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला है हमारा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। कौन? YV रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू। कौन?
एच एल दत्तू। अगला है हमारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला है हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड यानी सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। कौन? प्रसून जोशी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। कौन? प्रियांक कानूनगो। अगला है हमारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं राम सेवक शर्मा। कौन? राम सेवक शर्मा। आगे हमारा है भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। कौन? विवेक जोशी जी हैं। अगला है हमारा भारतीय खाद्य नियम के चेयरमैन कौन है, तो भारतीय खाद्य नियम के चेयरमैन हैं डीवी प्रसाद। कौन? डीवी प्रसाद। आगे देखते हैं, आगे हमारा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन? अधीर रंजन चौधरी। अगला है हमारा प्रसार भारती बोर्ड यानी पीबीबी के चेयरमैन कौन है, तो प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन हैं ए सूर्य प्रकाश। कौन? ए सूर्य प्रकाश। अगला है हमारा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक कौन है, तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह धतवालिया। कौन? कुलदीप सिंह धतवालिया। अगला है हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विजय कुमार चोपड़ा। कौन? विजय कुमार चोपड़ा। अगला है हमारा भारतीय फिल्म ऑफ टेलीविजन संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय फिल्म ऑफ टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं विजेंद्र पाल सिंह। कौन? विजेंद्र पाल सिंह। आगे हमारा है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक कौन है, तो ये हैं प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के चेयरमैन कौन है, तो ये अरविंद सिंह हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह सिंधु। कौन? सुखबीर सिंह सिंधु। आगे हमारा है ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं सुशील चंद्र मिश्रा। कौन? सुशील चंद्र मिश्रा, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं। अगला है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव बैद। कौन? श्रीकांत माधव बैद। अगला है हमारा तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, यानी ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, तो ये हैं शशि शंकर जी। कौन? शशि शंकर जी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला है हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के चेयरमैन कौन है, तो NTPC के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। कौन? गुरदीप सिंह। आगे हमारा है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं अनिल कुमार झा। ठीक है, और अगला जो होंगे वो प्रमोद अग्रवाल होंगे, ये 2020 में ये बनेंगे ये चेयरमैन। कौन? प्रमोद अग्रवाल, और अभी है अनिल कुमार झा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, यानी भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये है नलीन सिंघल। कौन? नलीन सिंघल। अगला है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चेयरमैन कौन है, तो इसरो के चेयरमैन है के सिवान। कौन? के सिवान है। अगला है हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।
अगला है हमारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं डॉक्टर शेखर मंडे। कौन? डॉक्टर शेखर मंडे। अगला है हमारा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC का निदेशक कौन है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। कौन? अजीत कुमार मोहंती ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। आगे है हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं एम सोमनाथ। कौन? एम सोमनाथ ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। अगला है हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक कौन है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र। कौन? मृत्युंजय महापात्र। अगला है हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन? आदर्श कुमार गोयल। आगे हमारा है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी। अगला है हमारा बम्बई शेयर बाजार का प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी कौन है। तो बम्बई शेयर बाजार के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं आशीष कुमार चौहान। कौन? आशीष कुमार चौहान। आगे हमारा है भारतीय औद्योगिक उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं विक्रम सिलोस्कर। कौन? विक्रम सिलोस्कर। आगे हमारा है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन कौन है। तो LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। कौन? MR कुमार। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष कौन है। तो ICC के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। कौन? शशांक मनोहर। आगे हमारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO। तो ICC के CEO कौन है, ये हैं मनु सहानी। कौन? मनु सहानी ICC के CEO हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है। तो ये है इंदिरा नुई, ये ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। कौन? इंदिरा नुई। आगे देखते हैं, आगे हमारा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। कौन? सौरव गांगुली। अगला है हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO। तो अध्यक्ष हो गए सौरव गांगुली और CEO हैं राहुल जौहरी। कौन? राहुल जौहरी हैं CEO BCCI के। अगला है हमारा भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री। कौन? रवि शास्त्री। अगला है हमारा भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है। तो भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। कौन? ग्राहम रीड। अगला है हमारा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। कौन? नरेंद्र बत्रा। आगे हमारा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। कौन? नरेंद्र बत्रा। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन? थॉमस बॉक। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है यानी FIFA फीफा के अध्यक्ष कौन है। तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। आगे हमारा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष कौन है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं धीरेंद्र पाल सिंह। कौन? धीरेंद्र पाल सिंह। अगला है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक कौन है। तो NCERT के निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। कौन है? ऋषिकेश सेनापति। अगला है हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के चेयरमैन कौन है। तो CBSE के चेयरमैन हैं अनीता करवाल। कौन? अनीता करवाल ये CBSE के चेयरमैन हैं। अगला है हमारा साहित्य अकादमी के प्रमुख कौन है। तो साहित्य अकादमी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर कंबर। कौन? चंद्रशेखर कंबर।
अगला है हमारा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पछरने। कौन? उत्तम पछरने हैं। आगे हमारा एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो एयर इंडिया के चेयरमैन है अश्वनी लोहानी। कौन है? अश्वनी लोहानी, ये एयर इंडिया के चेयरमैन हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं हर्ष कुमार भनवाला। कौन? हर्ष कुमार भनवाला राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला है हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा ये भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला है हमारा भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन है। तो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। कौन? रजनीश कुमार। आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रासी। कौन है? राफेल मारियानो ग्रासी। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। अगला है हमारा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, उप महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव हैं हमीना मोहम्मद। कौन? अमीना मोहम्मद हैं। आगे हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बांडे। कौन? तिजानी मोहम्मद बांडे। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। कौन? क्यू डोंग्यू। अगला है हमारा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। तो ये हैं डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक। तो WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेनोस एधानोम। कौन? डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। अगला है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है। तो WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कौन? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगला है WTO के महानिदेशक कौन है। तो WTO के महानिदेशक हैं रॉबर्टो एजेवेडो। कौन? रॉबर्टो एजेवेडो हैं, ये WTO के महानिदेशक हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के महानिदेशक कौन है। तो IMF के महानिदेशक हैं क्रिस्टानिया जारविवा। कौन? क्रिस्टानिला जारविवा है, ये IMF की महानिदेशक है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गाय राइडर। कौन? गाय राइडर हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के महानिदेशक कौन है यानी यूनेस्को के महानिदेशक कौन है। तो ये हैं आंद्रे ओजोल। कौन है? आंद्रे ओजोल, ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। आगे है हमारा संयुक्त राष्ट्र बल कोष के कार्यकारी निदेशक कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा H4। कौन? हेनरिटा H4, ये है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी निदेशक। अगला है एशियन बैंक के अध्यक्ष कौन है। एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष, तो एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ताकेहिनो नकाओ। कौन? ताकेहिनो नकाओ, ये हैं एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संस्था के महासचिव कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संस्था के अध्यक्ष हैं जुगेर्नो स्टॉक। कौन? जुगेर्नो स्टॉक, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संस्था के महासचिव। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संस्था के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं किम जोंग यांग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था के अध्यक्ष हैं। अगला है यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख कौन है। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख हैं क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख हैं। अगला है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं वर्सुला वॉन्डेर। कौन? उर्सुला वॉन्डेर, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं।
अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव कौन है, यानी नाटो के महासचिव कौन है। तो नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन? जेन स्टोल्टेनबर्ग। अगला है हमारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन के महासचिव कौन है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव हैं मोहम्मद मासूमी बाइंग इंडो। कौन? मोहम्मद सामूसी बाइंग इंडो हैं। अगला है हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, यानी आसियान के महासचिव कौन है। तो ये हैं लिम जो खोई। कौन? लिम जो खोई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के प्रमुख कौन है। तो नासा के प्रमुख है जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन? जिम ब्रिडेनस्टाइन है नासा के प्रमुख। अगला है इंपीरियल टोबैको कंपनी के अध्यक्ष कौन है। तो इंपीरियल टोबैको कंपनी के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। कौन है? संजीव पुरी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। कौन? सेबेस्टियन कोए ये हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर। कौन? अचीम स्टेनर हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव। तो सार्क के महासचिव कौन है, ये हैं अहमद हुसैन बी सियाल। कौन? अमजद हुसैन बी सियाल। इनका क्या नाम है? अमजद हुसैन बी सियाल। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के महासचिव हैं। अगला है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के चेयरमैन कौन है। तो एसएससी के चेयरमैन है ब्रजराज शर्मा। कौन है? ब्रजराज शर्मा है। अगला है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला है भारत के कानून सचिव कौन है। तो भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार भदोरत्ता। कौन? भेंदोरत्ता। अनूप कुमार भेंदोरत्ता ये भारत के कानून सचिव हैं। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल कौन बने। तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने हैं डीके जैन। कौन? डीके जैन। अगला है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला हमारा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने। तो ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं बिपिन रावत। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप याद रखिएगा। ये पहली बार हुआ है क्या देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं। तो ये कौन बने हैं? बिपिन रावत जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।